हेलो एवरीवन, कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था आरडीटी, इसमें हमने कल आरडीटी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजिकल टूल्स फॉर आरडीटी, इसमें जो टूल्स यानी मशीन्स की आवश्यकता होती है, एनजीएम्स की आवश्यकता होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने टूल्स चाहिए होते हैं एंजाइम्स, वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए और होस्ट सेल्स। इसके अंतर्गत हमने एंजाइम्स को कल डिस्कस किया था। एंजाइम्स में हमने लाइसिंग एंजाइम्स, क्लीविंग एंजाइम, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसके बाद सिंथेसिक एंजाइम और लास्ट में लाइसेज एंजाइम को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए की बात करें तो आर डीएनए के निर्माण के लिए एक कैरियर की आवश्यकता होती है, यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम रिप्लेसमेंट करेंगे उसके लिए हमें एक कैरियर की आवश्यकता होती है। कैरियर्स का मतलब है जो वाहक होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, ताकि आइसोलेशन के बाद फॉरेन डीएनए को उसके साथ जोड़कर होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जा सके। इस कार्य के लिए प्लाज्मिड या लैम्डा बैक्टीरियोफेज का यूज किया जाता है। जो प्लाज्मिड्स होते हैं या लैम्डा बैक्टीरियोफेज होते हैं उनका यूज करते हैं किसके लिए, वेक्टर डीएनए के प्रिपरेशन के लिए। प्लाज्मिड माइक्रो एंड सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मिड्स हैं माइक्रो एंड सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं और किसमें मिलते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इसमें बैक्टीरिया क्रोमोसोमल डीएनए से पृथक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, यानी इनके अंदर जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसमें सेल रेप्लिकेशन की, यानी स्वतंत्रता पूर्वक सेल रेप्लिकेशन की पर क्षमता होती है। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरियल सेल को स्वतंत्र रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, ये इसका मेन करैक्टर है। एक वेक्टर में क्लोनिंग करने के लिए निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, यानी जो वेक्टर्स होते हैं उसमें अगर हमें किसी जीन की क्लोनिंग करनी है, डीएनए की क्लोनिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ करेक्टर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जो उनमें अवश्य होने चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? नंबर वन, वेक्टर डीएनए में किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा विशेष स्थान पर अलग होने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जो वेक्टर डीएनए है उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा विशेष स्थान पर अलग होने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वेक्टर डीएनए में अनडिजायरेबल यानी अवांछित फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट ना करने की क्षमता होनी चाहिए। सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स, नंबर ए प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स की बात करें तो इसमें एक स्मॉल सर्कुलर तथा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लाज्मिड किसी दूसरे जीव के डीएनए से जुड़ सकता है। जुड़ने के बाद भी इसमें स्वयं के करैक्टर रहते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज डीएनए। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है।
जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं अथवा उनको मार सकते हैं। इसमें एम्टा बैक्टीरियोफेज, M13 बैक्टीरियोफेज प्रमुख है। नेक्स्ट कॉस्मिड्स। कॉस्मिड को प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज की कोसाइट के संयोग से बनाया जाता है। कोसाइट डीएनए क्रम के लिए स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट फैगोसाइट। इसमें बैक्टीरियोफेज व प्लाज्मिड दोनों के संयोग से बनते हैं। ये डीएनए के बड़े सीक्वेंस को कैरी करने का काम करते हैं। इसके अलावा बाईएसी यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बीएसी यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का भी यूज वेक्टर के रूप में होता है। थर्ड पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए। आरडीटी के लिए पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए की भी आवश्यकता पड़ती है। यह वह डीएनए होते हैं जिसे वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर एक और बेंच के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसे फॉरेन या पैसेंजर डीएनए कहते हैं। यह है तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन सी टाइप होती हैं? नंबर वन सी डीएनए, नंबर टू एस डीएनए और नंबर थ्री आर डीएनए। सी का मतलब होता है सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसी प्रकार से एस का मतलब होता है सिंथेटिक डीएनए और आर का रैंडम डीएनए। यानी पैसेंजर डीएनए की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में कौन कौन से टाइप? सी डीएनए, डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सिंथेटिक डीएनए और रैंडम डीएनए। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है कि क्या प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम निम्न पॉइंट में स्टडी करेंगे। नंबर वन, जिस डीएनए का यूज पैसेंजर या एस वेहिकल के रूप में करना होता है, सर्वप्रथम उसे किसी सेल का उपयुक्त एंजाइम द्वारा लाइसिस करके निकाला जाता है। लाइसिस में क्या होता है, जो सेल होती है उसके द्वारा कि जो डीएनए है, डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब सेपरेट कर दिया जाता है। डीएनए को सेल में से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट पीसीआर द्वारा डिजायर्ड जीन का आवर्धन, यानी एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम पीसीआर। नेक्स्ट पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी पूछ लिया जाता है पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसकी खोज कैरी मुलक ने 1983 में की थी। इसके लिए उनको रसायन क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। पीसीआर टेक्नोलॉजी द्वारा अधिक समय लगने वाली क्लोनिंग मेथड के बिना ही किसी भी डीएनए अणु के विशेष क्षेत्र की एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है। इसी से डीएनए फ्रेगमेंट की क्लोनिंग की जा सकती है। इसका मुख्य प्रिंसिपल यह है कि जब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसके दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं और इस तरह से एक सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इन सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल से डीएनए की पॉलीमरेज द्वारा कॉपी की जाती है। पीसीआर द्वारा इसी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। पीसीआर टेक्निक हिपेंड्रॉफ ट्यूब में की जाती है। इसमें इस टेक्निक में पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। यह एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो हाई टेम्परेचर के लिए रेसिस्टेंस होता है। यह एंजाइम एक बैक्टीरिया
थर्मस एक्वेटिक से प्राप्त किया जाता है। कुछ अन्य एंजाइम्स जिनका उपयोग पीसीआर में किया जाता है, PF14 पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, पीसीआर टेक्निक में 3 पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं, स्टेप यानी जो 3 स्टेप होते हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 डीनेचुरेशन, नंबर 2 एनिलिंग, नंबर 3 एक्सटेंशन। सबसे पहले बात करते हैं डीनेचुरेशन की। सर्वप्रथम डीएनए के सैंपल को 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, जिसके कारण एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाता है। यानी जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, जिसके कारण डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड एनिलिंग, इस स्टेप में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के 3 एंड पर प्राइमर जुड़ता है। यह क्रिया 54 डिग्री टेम्परेचर पर होती है। नेक्स्ट एक्सटेंशन, इस स्टेप में टैग पॉलीमरेज एंजाइम सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स के सहारे डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण करता है। सबसे अच्छी पॉलीमराइजेशन की क्रिया 72 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यानी जो पॉलीमराइजेशन की बेस्ट प्रोसेस है वो 72 डिग्री सेल्सियस पर होती है। नेक्स्ट पीसीआर टेक्निक द्वारा हेयर सेल्स या सीमन या ब्लड या टिश्यू से प्राप्त डीएनए की सूक्ष्म मात्रा को कई गुना तक एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है। यानी जो पीसीआर टेक्निक्स है, इसके द्वारा हम हेयर सेल्स, सीमन, ब्लड या टिश्यू जो ऊतक होते हैं उससे प्राप्त डीएनए की सूक्ष्म मात्रा को कई गुना तक एम्प्लीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई का मतलब होता है उसको बढ़ाना। जैसे एम्पलीफायर होते हैं जो साउंड को बढ़ा देते हैं, ऐसे ही पीसीआर टेक्निक में जो डीएनए है उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाता है, उनके जो स्टैंड्स होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं उसका विश्लेषण किया जाता है, ए 3 एंड 5 एंड डीनेचुरेशन के फलस्वरूप। इसके बाद इसके एम्पलीफाई किए गए 54 डिग्री सेल्सियस पर ए 3 एंड 5 एंड फाइव एंड इससे ये बना वायोमर बन गया। उसके बाद ये एक्सटेंशन के 72 डिग्री सेंटीग्रेड में ये 3 एंड 5 एंड और नेक्स्ट स्टेप पर जाके ये 5 एंड 3 एंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक आइसोलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बाद में पैसेंजर डीएनए तथा वेक्टर डीएनए को समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सहायता से काटा जाता है। अब इन दोनों में स्टिकी एंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स आपस में पेयरिंग कर लेते हैं और अंत में इनके एंड्स को लाइगेज एंजाइम्स की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए होस्ट सेल के रूप में इकोलाई बैसिलस सूटेबल है एंड ईस्ट का यूज किया जाता है। जिस बैक्टीरिया का यूज होस्ट के रूप में किया जाता है उसमें प्लाज्मिड अब्सेंट होता है। बैक्टीरिया की वॉल को CaCl2 या लाइसोजाइम द्वारा परमिएबल बनाया जाता है। अब इस जिस कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मिला दिया जाता है। इसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया अपने पोषक पदार्थों के साथ ग्रहण कर लेते हैं। जब बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं उसी समय रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी रेप्लिकेट करता है तथा यह अपने दोनों प्रोडक्ट डीएनए के लक्षण प्रकट करता है। बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की अनेक कॉपीज तथा
तैयार कर ली जाती हैं। इस प्रक्रिया को जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल हम एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके क्या एप्लीकेशन हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।